News 18, India. पश्चिम बंगाल से है, यहाँ संदेश खाली में यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिलाओं का यह दावा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, उन पर FIR वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि उनके घर में तोड़फोड़ भी की गई है। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी शिबू हाजरा ने भी सभी आरोपों को झूठा बता दिया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिबू हाजरा ने दावा किया कि उसके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार के आरोप भी पूरी तरह से गलत है और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इस दौरान शिबू हाजरा ने CPM और BJP पर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया। दरअसल शिबू हाजरा तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख का करीबी बताया जाता है। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, क्या अभी तक आपके पास अपडेट है? जो महिलाएं हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, ये वो आरोप लगा रही हैं, FIR वापस लेने का भी दबाव उन पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यही आरोप महिलाओं की तरफ से लगाया जा रहा है पंकज जी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसे लेकर के कल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम वहां पर गई थी, आज वहां पर SC/ST कमीशन की तरफ से भी एक टीम को जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल के नेता हैं, उनको भी आज वहां पर जाना है। और इसके पहले लगातार 2 दिन तक सुकांत मजुमदार राज्य अध्यक्ष जाने की कोशिश करते रहे, उनको रोका गया। हालत ये हुई कि कल पुलिस से धक्का मुक्की के बाद उनकी तबीयत तक बिगड़ गई, फिलहाल कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार को, और फिलहाल क्या कदम उठाती है प्रशासन, ये उनको जब जानकारी मिलेगी तब वो अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़ा बयान है राज्यपाल की तरफ से। साथ ही साथ फिलहाल इसे लेकर के सियासत, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, BJP और CPM पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर भाजपा के नेता इसे लेकर के आक्रामक हैं और किसी भी तरह इस मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बात करें महिलाओं की, वो लगातार जब हम भी वहां पर गए थे पंकज, तो मुंह ढक करके रोते हुए हमसे ये कह रही थी कि हमें बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल, तो जिस टकराव की स्थिति की बात आशिका कर रही हैं, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा पर BJP और तृणमूल कांग्रेस में राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। BJP ने संदेश खाली हिंसा मामले की जांच के लिए अब 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। बीजेपी के जो अध्यक्ष है JP नड्डा, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी की जांच कमेटी घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपेगी। तो 6 सदस्यीय कमेटी में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बाकायदा जो महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करेगी ये कमेटी और फिर जब ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो उसे सौंपा जाएगा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को। तो अभी तक जो कुछ हुआ है संदेश खाली में उसको लेते हुए अब ये 6 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और बीजेपी की 6 सदस्यीय कमेटी का संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। इनके साथ ही दूसरी केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को सह संयोजक बनाया गया है, जबकि बीजेपी सांसद संगीता दुग्गल, कविता पाटीदार कमेटी की मेंबर होंगी, सदस्य होंगी। इनके अलावा सांसद संगीता यादव और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो ये 6 सदस्यीय कमेटी है जिनमें 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये जाएंगे महिलाओं से, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो आरोप लगा रही हैं महिलाएं, उनसे मुलाकात करेगी और बाकायदा फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट वापस JP नड्डा को सौंपी जाएगी। दूसरी तरफ टकराव की स्थिति बनी हुई है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और ये भी कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे गलत हैं। दूसरी तरफ जो महिलाएं, उनका ये आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और लगातार उनसे कहा जा रहा है कि जो FIR दर्ज की गई उनकी तरफ से वो वापस ली जाए। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में सुकांत मजुमदार से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर सुकांत मजुमदार के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।
और इसके लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार बतला दिया। तो आप देखें, राज्यपाल जो हैं वो पहुंचे सुकांतो मजूमदार का हाल जानने के लिए, और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे गवर्नर के बाद, उनसे उन्होंने मुलाकात की और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस है, यानी ममता सरकार को उन्होंने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोस वर सपोज टू टेक एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन शुड टेक एक्शन अदरवाइज द पावर ऑफ द पीपल विल असर्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज। सुकांत जी को वहां जिस तरीके से बंगाल पुलिस उनके ऊपर फिजिकल मेंटल ह्यूमिलेशन किया, इतना धक्का बुक्का किया, वहाँ इतना लार्ज नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयमेंट करके, वहाँ तो 144 नहीं था, टाकी में उनका जो रेस्ट प्लेस था जहाँ से वो निकलने वाला था वहाँ तो कोई 144 नहीं था, ये इलीगल डिटेंशन था। और जान से मारने के लिए ममता जी ने एडिशनल एसपी का लीडरशिप में पुलिस फोर्स भेजा था। और आगे एक बार फिर रुक करते हैं आशिका सिंह का। आशिका, अब ये जो 6 सदस्यीय कमेटी जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, इनका रोल काफी अहम होगा क्योंकि जाएंगे, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे, पूरे मामले को जानेंगे और फिर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। देखिए पंकज, रोल तो अहम होगा लेकिन सवाल वही उठता है फिर से कि कहां तक जाने दिया जाएगा। सुकांत मजुमदार को नहीं जाने दिया गया, 2 दिन लगातार उन्होंने कोशिश की, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी उसके पहले, उनको जाने नहीं दिया गया। आपको ये भी बता दें कि टीएमसी की जो टीम है उनको परसों, हालांकि वो वहां पर गए थे, उनको जाने दिया गया। तो अब आज जब शुभेंदु अधिकारी भी निकलेंगे, उनको कहां तक जाने दिया जाता है? अगर ये जो दल, ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है भाजपा की, ये संभवतः आज कोलकाता पहुंच जाएंगे और कल संदेश खाली के लिए रवाना होंगे, इनको भी। आशिका, बड़ा सवाल ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है? देखिए, रिएक्शन उनकी तरफ से जब आया था तो उन्होंने ये कहा था कि मामले में गिरफ्तारी तो हो गई है, एक आरोपी उत्तम सरदार उसकी गिरफ्तारी हुई। आपको ये भी बता दें कि उसकी गिरफ्तारी के 2 दिन भीतर उसको बेल मिल जाती है, हालांकि पुलिस ने फिर दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन जो प्रमुख आरोपी है शेख शाहजहां, वो कहां है, वो इस पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी से भी जब ये पूछा गया था शेख शाहजहां को लेकर के, तो बिना कोई जवाब दिए वो लौट गई थी। तो प्रमुख और नहीं, बिल्कुल। तो बड़ा सवाल जो आशिका उठा रही हैं वो ये कह रही हैं कि क्या जो ये 6 सदस्यीय कमेटी बनी है उन्हें पहुंचने दिया जाएगा, जिस मकसद से ये कमेटी का गठन हुआ है वो महिलाओं तक क्या पहुंच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशिका हमें इस तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। इससे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल भी हो गए। पहले उन्हें बशीरहाट के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन शाम को उनकी हालत खराब हुई और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। और संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब ईडी अफसर गए थे तो अराजक तत्व जो थे, टीएमसी से जिनके तार जुड़े थे, उन्होंने हमला किया था। अब एनसीडब्ल्यू की टीम वहां जाती है और उनको भी अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि शर्मसार करने वाला है, जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जंगल राज कैसा होता है, डबल इंजन जैसा होता है, ये हम लोग कह रहे हैं। जंगल राज कैसा होता है, बीजेपी कहते हैं बंगाल जैसा, और हम लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उस तरीके का ही जंगल राज होता है। क्योंकि जब मणिपुर में आग लगती है और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तब ये स्मृति ईरानी जी जो मोदी जी के मंत्री हैं, तब वो चुप रहती है। इस बीच गवर्नर सीबी आनंद बोस दिल्ली में थे, वो वापस कोलकाता लौटे। उन्होंने बताया कि संदेश खाली मामले की रिपोर्ट अभी केंद्र को नहीं सौंपी है। दरअसल संदेश खाली में महिलाएं तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। राज्यपाल ने सोमवार को इलाके का दौरा भी किया था।
इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी।